पाकिस्तान को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की जानिब से दिया जाने वाला 177 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैथ्यू वेड ने 41 और स्टोन्स ने 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। ड्यूट वार्नर 49 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मिचेल मार्श 28 रन के साथ नुमाया रहे। स्टीव स्मिथ 5 और ग्लेन मैक्सवेल 7 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान एरन फिंच बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। शादाब खान की 4 विकेटें भी पाकिस्तान को फतह से हमकिनार ना करवा सकें। शाहीन शाह आफरीदी 1 विकेट हासिल कर सके। कबल अजी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया। मोहम्मद रिजवान ने 52 गेंदों पर 67 रन की इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 4 बुलंदोबाला छक्के और 3 चौके शामिल थे। रिजवान को मिचेल स्टार्क्स ने आउट किया। कप्तान बाबर आजम 39 रन बनाकर एडम जिम्पा को विकेट दे बैठे। जहरा मिजाज बैटर ऑफ अली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। शुएब मलिक 1 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का निशाना बने। फखर जमान ने 55 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें हासिल की। पैट कमिंस और एडम जिम्पा ने 1-1 विकेट हासिल की। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और फील्डिंग को तरजीह देते हुए पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी।